सुप्रसिद्ध महापूर्णागिरी मेले में सरकारी मेले का 15 जून को समापन हो गया। गुरुवार को ठुलीगाड़ क्षेत्र में समापन समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मेले में समापन कार्यक्रम में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी द्वारा माँ पूर्णागिरी की सुंदर फोटो भेंट की गई। मंच का संचालन पूर्णागिरी मंदिर समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी ने किया। साथ ही क्षेत्र की सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूर्णागिरी मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा शामिल किया गया। साथ ही मेले के उत्कृष्ट कार्य के लिए विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डीएम नरेंद्र भंडारी ने एसडीएम टनकपुर सीओ अविनाश वर्मा मीडिया कर्मी को माँ पूर्णागिरी की सुंदर प्रतिलिपि भेंट की। इस अवसर पर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, इस वर्ष पूर्णागिरी 2023 मेले का समापन हो गया है, जिसमें लगभग 35 लाख से ज्यादा भक्तों ने मां पूर्णागिरी के दर्शन किए। इस दौरान मेला समिति एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त तरीके से चलाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इच्छा है कि यह मेले पूरे वर्ष सुचारू रहे, जिसको लेकर पूरा कार्य भी किया जा रहा है। माँ पूर्णागिरी धाम में मुख्यमंत्री की तरफ से कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। हमें आशा है कि अगले वर्ष के मेले में सभी विकास योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जिसके बाद ये मेले पूरे वर्ष भर चलेगा। इस वर्ष सरकारी मेला समाप्त हो चुका है, परंतु धाम में दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जिनको सुविधाएँ देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, बताया गया है कि मुख्य रूप से पानी व्यवस्था, विद्युत, सड़क एवं यातायात सुचारू रखने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही माँ पूर्णागिरी धाम समिति में अध्यक्ष किशन तिवारी ने भी माँ पूर्णागिरी धाम में सरकारी मेले के सही तरीके से समापन होने की जानकारी दी तथा खुश रहने और अच्छे कार्य करने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि माँ पूर्णागिरी धाम में सरकारी मेले का समापन हो गया है, मगर समापन के बाद श्रद्धालुओं का आना कम नहीं हुआ है। इस दौरान श्रद्धालुओं को बिजली, पानी, सड़क व अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। इस दौरान माँ पूर्णागिरी धाम में सरकारी मेले के समापन कार्यक्रम में डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी, एसडीएम टनकपुर सुंदर सिंह, सीओ अविनाश वर्मा, मंदिर समिति अध्यक्ष किशन तिवारी, सदस्य एवं महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हेमा कनवाल, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, मीडिया कर्मी व श्रद्धालु मौजूद रहे। साल भर वाली बात चलती, भविष्य में इस मेले में अभी कई व्यवस्थाओं को वर्ष भर संचालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेला ये अब दर्शनार्थी यहाँ पर वर्ष भर आते हैं। इसमें एक हमारी जो पेयजल है लादीगाड़ पंपिंग योजना, उसका भी कार्य प्रस्तावित है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, तो वो भी कार्य प्रगति में है। एक ककराली गेट से मुख्य मंदिर तक स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेला उद्घाटन पर जिसकी घोषणा की गई थी, वो भी कार्य प्रस्तावित, वो भी गतिमान है। तो इन पानी की, पेयजल की और सफाई की तीन हमारी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, तो ये वर्ष भर चलनी चाहिए। ये हमारा अनुरोध भी रहेगा शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस संबंध में घोषणा भी की जा चुकी है। धन्यवाद।